क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री सॉल्व करेंगे क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क् और ये कंप्लीट इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वेयर वाई प्लस फोर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं फोर डी वाई प्लस फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू ये राइट right साइड वाला ही सेम ये रेस्ट टू माइनस टू एक्स अपॉन एक्स रेस टू फाइव अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हम लोग इसमें से y कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे y कॉमन निकालेंगे यहाँ से y कॉमन निकल निकालने के बाद क्या बचेगा डी स्क्वायर प्लस यहाँ से y निकालने के बाद बचेगा फोर डी प्लस यहां से निकलने के बाद बचेगा फोर और ये कॉमन यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू एक्स और इसको हम लोग एक्स रेस टू माइनस फाइव भी लिख सकते हैं एक्स रेस टू फाइव नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू माइनस फाइव बनेगा तो ये बना अपना मल्टीप्लीकेशन विथ एक्सपोनशियल वाला टर्म राइट साइड वाला मल्टीप्लीकेशन विथ एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बना अभी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स है ये वाला टर्म फंक्शन ऑफ डी है ये वाला अभी अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए एफ ऑफ डी को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ फिर अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कर लिए ये एफ ऑफ डी ले गए एफ ऑफ डी है ये वाला तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर इक्वल टू जीरो और d की वैल्यू निकलेगी अपनी कैलसी के ऊपर तो कैलसी लेगे कैलसी में पुट करेंगे कैलसी को ऑन करेंगे फिर मोड प्रेस करेंगे फिर फिफ्थ नंबर का इक्वेशन फिर ये डी स्क्वायर है तो ये थर्ड वाली इक्वेशन थ्री प्रेस करेंगे डी स्क्वेयर का कोफिशियंट वन फोर डी है मतलब फोर क्विफिशियंट इक्वल करेंगे प्लस फोर प्लस फोर करेंगे फिर आंसर क्या आता है माइनस टू माइनस टू बस आंसर आता है तो उस माइनस टू को लिखेंगे d इक्वल टू माइनस टू आता है d इक्वल टू माइनस टू अपने को कैल्सी में आया लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर है इसका मतलब दो रूट्स आने चाहिए थे सेकेंड रूट रिपीट हुआ है इसलिए कैल्सी में शो नहीं हुआ लेकिन ये वाला है सेकेंड रूट यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी दो रूट होने चाहिए दोनों रूट है अपने माइनस टू माइनस टू इसके लिए अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके लिए कैसे लिखते हैं हम लोग लिखे गए वाई सी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे e रेस टू एक्स और ये माइनस टू है तो ये माइनस टू आएगा और अभी कॉन्स्टेंट लिखना है इसके कॉन्स्टेंट होते हैं सी वन प्लस सी टू और एक एक्स आएगा ताकि दोनों कांस्टेंट ऐड ना हो तो ये है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम लोग इसका वाई पी निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाई पी लिखते हैं वाई पी एक पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन एफ ऑफ डी वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स तो ये क्या बनेगा इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी यह है वाई पी फंक्शन ऑफ डी क्या है अपना डी स्क्वायर प्लस फोर डी डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर ये है अपना फंक्शन ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स है ये वाला ऊपर वाला ये है अपना कैपिटल एक्स इसको लिखेंगे गए ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू माइनस फाइव तो ये कौन सा है मल्टीप्लीकेशन विथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लीकेशन विथ एक्सपोनेंशियल में हम लोग सब्सिट्यूशन करते हैं d इक्वल टू डी प्लस ए और ये जो a है वो एक्सपोनेंशियल के साइड से आता है एक्सपोनेंशियल पे जो a होता है उस उधर से आता है तो हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू डी एक्सपोनेंशियल में a है माइनस टू तो माइनस टू डी माइनस टू आएगा तो अभी इसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में डी की जगह पे डी माइनस टू पुट करेंगे और आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे वाई पी इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन डी स्क्वेर है डी की जगह पे अपने को लिखना है डी माइनस टू तो उसको लिखेंगे डी माइनस टू स्क्वायर प्लस फोर d की जगह पे अपने को लिखना है d माइनस टू डी माइनस टू लिखे गे प्लस फोर और यहाँ पे राइट साइड में आएगा ये e रेस टू माइनस टू एक्स का काम हो चुका है क्योंकि हम लोग ने सब्सटीट्यूशन किया है तो उसको लेफ्ट साइड में लिखे गए ई रेस टू माइनस टू एक्स और राइट साइड में लिखे गए एक्स रेस्ट टू माइनस फाइव अभी नेक्स्ट अपने को क्या करना है वो देखते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे वाई पी इक्वल टू करेंगे वाई पी इक्वल टू सबसे फर्स्ट ऊपर आएगा ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू टू फोर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायेर टू स्क्वायेयर का होगा फोर प्लस फोर प्लस फोर इंटू डी फोर डी फोर इंटू माइनस टू कितना होता है फोर इंटू माइनस टू होता है माइनस एट प्लस ये फोर बचा हुआ और यहाँ पे x रेस टू माइनस फाइव अभी कुछ कैंसल होता है या नहीं वो देखना है माइनस फोर डी प्लस फोर डी कैंसल होता है फोर प्लस फोर एट माइनस एट तो ये पूरा कैंसिल होता है सब कुछ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ बचा डी स्क्वायर तो उसको लिखेंगे गे वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू माइनस टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में बचा डी स्क्वेर और राइट right साइड में एक्स रेस्ट टू माइनस फाइव वन अपॉन डी स्क्वेर है मतलब दो बार इंटीग्रेशन करना है वन अपॉन डी स्क्वेयर है डिनोमिनेटर में डी स्क्वेयर है इसका मतलब दो बार इंटीग्रेशन करना है तो सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं ई रेस्ट टू माइनस टू एक्स का काम तो हो चुका है तो एक बार इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट वन बाय डी लिखेगे एक जो डी बचा है और एक डी का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू माइनस फाइव डी एक्स यहाँ पे दो डी स्क्वायर है डी स्क्वायर है तो एक डी का इंटीग्रेशन हुआ और एक डी तो इधर बचा ना फिर उसके बाद फिर से उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्स रेस टू माइनस फाइव इसका मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गए वाई पी इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू एक्स वन अपॉन डी फॉर्मूला क्या आएगा एक्स रेस टू माइनस फाइव प्लस वन अपॉन माइनस फाइव प्लस वन अभी इसका सोल्यूशन निकालेंगे वन माइनस फाइव वन माइनस फाइव होता है माइनस फोर तो उसको यहाँ पे लिखेंगे अभी वाई पी वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू माइनस टू एक्स वन अपॉन डी और अंदर आएगा एक्स रेस्ट टू वन माइनस फाइव माइनस फोर अपॉन माइनस फोर एक और डी बचाए इसका मतलब अपने को फिर से इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे अभी वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू माइनस टू एक्स आएगा और यहाँ पे वन अपॉन माइनस फोर है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं उसको हम लोग बाहर निकालेंगे वन अपॉन माइनस फोर को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन होगा तो ये डी इंटीग्रेशन हम लोग लिखा तो ये डी वाला चला जाएगा और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर एक्स रेस टू माइनस फोर डी एक्स अभी इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वाई पी ये माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन फोर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे वही फॉर्मूला एक्स रेस टू एन वाला एक्स रेस टू माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन सॉल्व करेंगे अभी इसको वाई पी इक्वल टू माइनस ई रेस्ट टू माइनस टू एक्स अपॉन फोर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वन माइनस फोर वन माइनस फोर होता है माइनस थ्री तो उसको लिखेंगे एक्स टू माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री अभी कुछ कैंसिल होता है क्या ये माइनस ये माइनस कैंसिल होगा और फोर इंटू थ्री ट्वेल्व होगा तो उसको लिखेंगे वाई पी इक्वल टू ई रेस्ट टू माइनस टू एक्स फोर इंटू थ्री अपॉन ट्वेल्व और x रेस टू माइनस थ्री है तो वो नीचे आएगा तो वो x क्यूब बनेगा तो ये है अपना फाइनल y p का आंसर पर्टिकुलर इंटीग्रल का फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई दोनों आंसर इसको अपने को ऐड करना होता है फाइनल स्टेप में